हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू नेहा'स फन कॉन्सेप्ट्स। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो चलिए आज बनाते हैं जीरा राइस के साथ खाए जाने वाले सफ़ेद चने। यहाँ मैंने लिए है 1.5 कप काबुली चना, जिन्हें कि सफ़ेद चने भी कहा जाता है। इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया, रात को भिगो कर रख दिया। अगली सुबह देखिए काफ़ी फूल चुके हैं, तो चलिए झट से इन्हें बनाना शुरू करें। कुकर में डालेंगे वही चने और वही पानी जिनमें चनों को भिगोया गया था, थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इसके अंदर साबुत मसाले जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, और फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक ट्रिक बताती हूँ, मेरे पास है ये एक स्ट्रेनर जिसके अंदर मैं साबुत मसाले जैसे कि मोटी काली इलायची, हरी इलायची, स्टार अनीस जिसे चक्रफूल कहा जाता है, 2 लौंग, 2-3 काली मिर्च साबुत, ये डालकर मैं कुकर के अंदर इसे ही प्लेस कर लूंगी। इसका ये फायदा होगा कि जब चने उबल जाएंगे तो हमें अलग से साबुत मसालों को छान कर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लेवर इसमें से बाहर निकल आएगा चनों में और अलग से छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही डाला है मैंने स्वादानुसार नमक और ढक्कन लगाकर सीटी आने तक इन्हें रख देंगे 15 से 18 मिनट गैस पर। 15 से 18 मिनट हो चुके हैं, स्टीम निकल चुकी है और अब हम चेक करते हैं चने उबल चुके हैं कि नहीं। जी हाँ, चने का दाना सॉफ्ट हो चुका है। इस टाइम पर हम अपना स्ट्रेनर बाहर निकाल लेंगे और साथ ही जो दालचीनी और बे लीफ था उसे भी हमने बाहर निकाल लिया। करेंगे मसाले की तैयारी। यहाँ लिया है अदरक और हरी मिर्च जिन्हें जूलियंस में कट कर लिया है, इन्हें हम बीट नहीं करेंगे। 2-3 लिए हैं हमने हरे लहसुन, 2 प्याज और 2-3 टमाटर। टमाटर, लहसुन और प्याज की प्यूरी बना लेंगे और अदरक हरी मिर्च की प्यूरी नहीं बनाएंगे। लगाएंगे तड़का, लेंगे 2 चम्मच तेल के, इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च जिन्हें कि हमें लंबा लंबा काट दिया था। देखिए फ्रेंड्स, ये भी भून चुका है। इस टाइम पर प्याज, टमाटर और हरे लहसुन की जो प्यूरी बनाई थी हमने, वो इसके अंदर डाल देंगे। चलाते रहेंगे कड़छी और जब तक कि तेल अलग ना हो जाए इसको हम भूनते रहेंगे। यहां मैंने डाला है चुटकी भर हींग और डालेंगे नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद चनों में धनिया पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब करना क्या है फ्रेंड्स, इसे कुछ नहीं, बस आप अपने चनों के अंदर ऐड कर देंगे और फिर से उसे रिझाने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कीजिए, बिल्कुल 2 कड़छी पानी, और कुकर को सीटी लगाकर आप 2 से 3 विसल्स आने तक इसको फिर से बॉईल कीजिए। हाँ जी, ऐसा करने से क्या होगा, सारी सब्जी आपस में इतने अच्छे से घुल मिल जाएगी कि पानी अलग चने अलग ऐसा भी नहीं दिखेगा और चने बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे, जो राइस के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए लगाते हैं ढक्कन और फिर से 2-3 सीटी आने तक की वेट करते हैं। सर्दियों में जब चावल के साथ ऐसे चने गर्मा गर्म खाए जाएं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। देखिए चने बिल्कुल तैयार हैं, सारी सब्जी आपस में अच्छे से मिक्स भी हो गई है। गार्निश करेंगे इसे हरे धनिए के पत्तों के साथ और गर्मा गर्म ही इसे सर्व कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी रेसिपीज के साथ आपके साथ फिर से शेयर करूँ अपनी।